फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इंडियन प्राइम न्यूज से खास बात करते हुए रिया चक्रवर्ती ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो उन पर लगाया जा रहा है। सुशांत के साथ यूरोप दौरे को लेकर इंडियन प्राइम न्यूज से खास बात करते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप की ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तो सुशांत ने बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। रिया के मुताबिक सुशांत ने उन्हें बताया था कि दवाई का नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले उसने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। ऐसे में उस दवाई के लिए किसी मशवरे की जरूरत नहीं थी। इंडियन प्राइम न्यूज से खास बातचीत में रिया चक्रवर्ती ने बताया कि हम पेरिस में लैंड हुए। 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकले क्योंकि जाने से पहले वो काफी खुश थे। वो अपना अलग अंदाज दिखाना चाहते थे। पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से नहीं निकले लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने में वे खुश थे। फिर जब इटली में पहुंचे तो हमारे कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। रिया ने बताया कि कमरे में मुझे डर लगा लेकिन सुशांत ने कहा सब ठीक है। रिया बोली कि तब सुशांत ने उन्हें कहा था कि यहाँ कुछ है लेकिन मैंने कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद से ही सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। आपको बता दें जब आरोप लगा कि रिया का परिवार सुशांत के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, इस पर रिया ने कहा कि मुझे पेरिस के एक फैशन शो में बुलाया गया था। मेरी टिकट बुक थी लेकिन सुशांत ने सभी टिकट कैंसिल की और अपनी ओर से टिकट बुक कर पूरी ट्रिप प्लान की। सुशांत हमेशा से ही किंग की तरह जीता था। मेरे साथ से पहले सुशांत थाईलैंड की ट्रिप पर गया था जहां उसने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। वो स्टार की तरह जीता था। यू एंड सुशांत इन दिस रिलेशनशिप वेंट टू यूरोप टुगेदर। आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे, वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है, कब आपको पता चला उस यूरोप के ट्रिप पर? यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। He didn't even have to get a prescription. उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। probably हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग रूम, वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। यू नो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर। मैं ये भी कर सकता हूँ जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यू नो यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको कोई अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहां से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश
शेट्टी है, और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग. दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे, उसके बाद वो ठीक थे. बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वॉज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, एंड सो वी हैड टू कट शॉर्ट द ट्रिप. अभी इफ योर पार्टनर इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, ब्रिंग हिम बैक.